Hello everyone, CA Ravi Taori here. Exams khatam ho chuke hain. I hope aap log ke exams bahut acche the. Aur ab thoda bahut aaram bhi aap logon ne kar liya hoga. Now we are discussing very very important thing. Theek hai. Paper ka analysis. देखिए जब भी ये पेपर होता है इट इज़ अ वेरी बिग बिग केस स्टडी फॉर मी एज अ प्रोफेसर. मुझे एक एक क्वेश्चन का रूट देखना, वो कहाँ से पूछा गया था, कौन से मटेरियल से पूछा गया था, वो एमटीपी में से था कि आरटीपी में से था कि पास्ट पेपर में से था या फिर वो स्टडी मटेरियल में से था, वो देखने में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि इंस्टीट्यूट हमसे चाहती क्या है, इंस्टीट्यूट किस डायरेक्शन में जा रही है, किस तरह की चीज़ें कर रही है, और उससे फिर इम्पोर्टेंस बनाने में, पढ़ाने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद मिलती है. तो जब ये पेपर आया तो उसके ऊपर काफ़ी लॉट ऑफ मैन आवर्स उसमें डाले गए, बहुत सारे उसके एनालिसिस में एक एक क्वेश्चन को इनडेप्थ देखा गया. और ये एनालिसिस खास उसी से बना हुआ है. और मैं आपको बता दूं, हमने सजेस्टेड आंसर्स भी हम लोग रेडी कर चुके हैं. वो सजेस्टेड आंसर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसकी लिंक है जो आप देख सकते हैं. देखिए दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर बोथ. जो एग्जाम देकर आए हैं वो ये एनालिसिस देख सकते हैं, सजेस्टेड आंसर देख सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा था, वो जज कर सकते हैं. जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि इंस्टीट्यूट किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है. ये जो अभी प्रेजेंट वीडियो है ये ओल्ड पेपर के लिए है, न्यू पेपर के लिए भी हम लोग डालेंगे. दोनों पेपर एकदम अलग थे, दोनों के एनालिसिस एकदम अलग है. बहुत फर्क था दोनों पेपरों में, बहुत ज्यादा फर्क था. तो उसका वीडियो अलग से होगा. एमसीक्यूज मेमोरी के ऊपर बेस्ड हम लोग काफी सारे एमसीक्यूज डेवलप कर चुके हैं, कलेक्ट कर चुके हैं, तो उसका वीडियो भी मैं डालूंगा. इंटर के लिए देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो, सेपरेट एनालिसिस, करेक्ट. सो लेट्स सी कि ये हमारा जो इनडेप्थ हम लोगों ने एनालिसिस किया उसमें हमको क्या क्या मिला. सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम कवरेज की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट कवरेज, ठीक है. 53% ये मैं जो मार्क्स की बात कर रहा हूं, आपका 118 मार्क का पेपर था सीए फाइन ओल्ड वर्स का, 118 मार्क का एक्स्ट्राज इंक्लूड करके. तो उसमें से अगर मैं 30 मार्क के एमसीक्यूज को अलग कर दूं, तो 88 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, करेक्ट. तो वो 88 मार्क्स में से ब्रेकअप क्या था, चैप्टर्स अकाउंटेड फॉर 53%, 47 मार्क्स. इट इज ह्यूज. 88 मार्क के डिस्क्रिप्टिव में 47 मार्क्स का कंटेंट चैप्टर्स से पूछा गया. इट वाज टारगेटेड फ्रॉम चैप्टर्स. ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है. सॉरी, 53% मतलब अगर कोई बच्चे अपनी स्ट्रेटेजी में चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देके नहीं गए थे तो शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती थी. बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे गए थे. मैं अभी वो डिफिकल्ट, मीडियम, इजी वो भी बताऊंगा. पेपर मेरे हिसाब से ये काफी आसान पेपरों में से था. न्यू कोर्स के मुकाबले तो काफी आसान था. न्यू कोर्स का अलग ही पेपर था. तो 47 मार्क्स, तो चैप्टर्स पे कमांड रखना, एटलीस्ट चैप्टर्स में जो पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में उस पर कमांड रखना बहुत ज्यादा जरूरी था.
Standards and auditing average 28 marks, not bad. 32% marks standards and auditing pe. Aur aapke MCQs mein bhi kaafi isko target kiya gaya tha. Agar koi bachcha aisa tha ki jo sirf professional ethics or company audit pe bahut focus kar raha hai, only 10%, sirf 8 mark ke questions aaye, only 8 marks questions were asked, around 10%, only 8 marks ke do descriptive questions aaye gaye professional ethics pe. Company audit 5% only 5%. तो कुछ लोग अगर excessively dependent थे professional ethics और company audit पे, तो उनको दिक्कत गई होगी. तो इससे बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि chapter, ठीक है, company audit और professional ethics सबका strong होता है, सबका अच्छा ही होता है. जहाँ दिक्कत होती है वो है chapters और standards on auditing. ये दो के ऊपर लोगों को दिक्कतें होती है. तो मैं बोलूँगा बच्चों को कि chapters पे भी ध्यान दे. चैप्टर्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, इससे हमारा जस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हमको मिलती है. सोर्स ऑफ द पेपर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सोर्स ऑफ द पेपर, ठीक है, पिछले 2 साल के, अगर मैं पिछले 2 साल के एमटीपीज और आरटीपीज की बात करूं, 33 मार्क्स यहां से टारगेट किया गया. 33 मार्क्स इज ह्यूज, मतलब 4 एमटीपीज आरटीपीज की मैं बात कर रहा हूं, ह्यूज, जबरदस्त है ये 33 मार्क्स वहां से, 2 साल के एमटीपीज आरटीपीज. मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही दिनों में वी आर गोइंग टू लॉन्च अ क्वेश्चन बैंक. आई थिंक इट शुड बी वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट आई फील बेस्ट क्वेश्चन बैंक एवर फॉर सी ए फाइनल ऑडिट. उसमें आपका पूरा प्रैक्टिस मैनुअल कवर होगा, हर एक क्वेश्चन, आपका स्टडी मटेरियल पूरा कवर होगा, सारे क्वेश्चंस, आपके 7 एमटीपीज, ठीक है, 7 एमटीपीज, मतलब आप 3.5 साल 7 एग्जाम्स के आरटीपीज, 7 एग्जाम्स के आपके आरटीपीज, 7 एग्जाम्स पूरे, वो सब उसमें कवर रहेगा, विथ शॉर्टकट्स एंड ऑथर्स नोट्स एंड ऑथर कमेंट्स. यही एनालिसिस देख करके हम काफी प्रेरित, और हमने उसको बेस बनाया और हमने बोला एमटीपीज और आरटीपीज, मतलब कोई बच्चा अगर एमटीपीज आरटीपीज कवर करने में अपना समय देता है तो उसको रिच डिविडेंड्स मिले होंगे, बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा. और बच्चे अक्सर एमटीपीज और आरटीपीज को आखिरी में, एंड में करते हैं. तो मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई बंदा लग रहा है कि पास नहीं हो रहा और पढ़ाई रिपीट करने वाला है, सबसे पहले अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, नोट्स आपके कवर्ड है, तो आपने एमटीपीज और आरटीपीज कवर करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, और कम से कम, ठीक है, 6-7 एग्जाम्स के तो करने ही चाहिए. रीसेंट पास्ट 5 साल के पेपर, अगर पास्ट पेपर से, तो 45% क्वेश्चन वहां से थे, दैट्स गुड, 40 मार्क्स, मतलब आप समझ के देखिए कि कितने इंस्टीट्यूट का दिल, कितना दयावान लोग है वो. पास्ट मार्क में से 40 मार्क्स 45% आपके पास्ट, इनको एड अप मत करिएगा, ये ओवरलैपिंग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो सकता है एमटीपी आरटीपी भी है, एक हो सकता है कि पास पेपर में भी, तो इसको ऐड मत करिए, ठीक है, नहीं तो कोई ऐड कर देगा. ऊपर हमने नोट डाला है, डोंट ऐड अप बिलो मार्क्स, देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ द सोर्स. पीएम से 31 मार्क्स, दैट इज नॉट बैड, 31 मार्क्स, 35% पेपर प्रैक्टिस मैनुअल से था, तो प्रैक्टिस मैनुअल हैज बीन एवर ग्रीन. प्रैक्टिस मैनुअल को हम छोड़ ही नहीं सकते, करेक्ट, वी कैनॉट लीव प्रैक्टिस मैनुअल, वहां से भी था. तो आप अगर देखेंगे तो तीनों को मिलाकर काफी अच्छा, इनफैक्ट नीचे दिया है, 34 मार्क्स के न्यू क्वेश्चंस, मतलब वो एमटीपी में नहीं थे, आरटीपी में नहीं थे, पास्ट पेपर्स में नहीं थे, प्रैक्टिस मैनुअल में भी नहीं थे. डिफिकल्ट थे ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन वो नए क्वेश्चंस थे,
दे वर न्यू क्वेश्चंस, मीडियम इजी, मीडियम डिफिकल्ट, तीनों तरह के क्वेश्चन उसके अंदर थे, 34 मार्क्स. तो अगर कोई बोलता है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही कर लेता हूं, तो शायद इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी. इंस्टीट्यूट सब चीजें नए क्वेश्चंस भी डाल रहा है. मतलब अगर आप सोच के देखें, 88 मार्क्स का था 54, ये तीनों को अगर मैं मिला दूं तो 54 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होते हैं. करेक्ट, दैट इज अगेन बिग पोर्शन विल गेट कवर्ड. 88 मार्क्स में से बहुत बड़ा पोर्शन कवर होता है 54 मार्क्स का. लेकिन 34 मार्क्स के क्वेश्चंस नए थे, दैट इज 39%. मतलब इसका ये भी है कि 61% क्वेश्चंस आप अब इंस्टीट्यूट से और क्या एक्सपेक्ट करते. सीए फाइनल में एमसीक्यूज दे दिए, एमसीक्यूज के साथ साथ 61% ऑफ द कोर्स इज कमिंग फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल्स, रीसेंट पेपर्स, एमटीपीज, आरटीपीज. दिस वाज द बेस्ट पेपर दे कैन गिव. बेस्ट पेपर था ये, सबसे आसान. मतलब सबसे आसान बोलना भी एकदम सही नहीं होगा, बट एवरेज तो थोड़ा कम ही डिफिकल्ट था ये. ठीक है, 54 मार्क्स यहां से थे, 34 मार्क्स के न्यू क्वेश्चंस थे. तो इंस्टीट्यूट वो भी ध्यान रख रही है कि आपका बाकी कवरेज कैसा है. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आंसर के नॉलेज के बेसिस पे हम कुछ सॉल्व कर पाते यहां पे, बट देन 34 मार्क्स के क्वेश्चंस नए थे ये भी जानना जरूरी है. ठीक है, इसीलिए क्यों सारी चीजें कवर करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो शायद आप समझेंगे. जीएसटी ऑडिट 10 मार्क्स, इनकम टैक्स ऑडिट से एक भी सवाल पूछा नहीं गया. इंस्टीट्यूट से हम ट्रेंड के साथ चलेंगे और 10 मार्क का पूछा गया से. हमने दो सवा दो घंटे का वीडियो डाला था जीएसटी ऑडिट पे. हमने इनडेप्थ एक एक पॉइंट हम लोगों ने कवर किया जीएसटी ऑडिट पे. उसका वीडियो भी हम लोगों ने डाला था जो आरटीपी में आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन. ठीक है, और फिर उन्होंने 10 मार्क का पूछा भी उसके ऊपर. दे आस्क 10 मार्क क्वेश्चन ऑन जीएसटी ऑडिट. और जीएसटी ऑडिट में आपको बता दूं, पूछने का बहुत स्कोप है. बहुत सारी बातें वो लोग पूछ सकते हैं. एन नंबर ऑफ थिंग्स दे कैन आस्क. अभी तो बस शुरुआत हुई है. अगले आने वाले अटेम्प्ट्स में मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी ऑडिट पे काफी टारगेट किया जाएगा. इस चीज को बिल्कुल लाइटली ना दे, उस पर अच्छा खासा समय बिताए. ठीक है, और एज आई सेड, हमने डिटेल वीडियो डाला हुआ है इनडेप्थ एक एक पॉइंट के ऊपर, और 17 पेजेस में उसके शॉर्ट नोट्स भी बना के रखे थे हमने. आई होप बच्चों ने उसका, ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनको तो हम भेज ही चुके थे, बाकी यूट्यूब पे भी लोगों ने उसका फायदा लिया होगा. 500 ऐसे 500 सीरीज अकाउंटेड फॉर 23 मार्क्स. दैट सुपर्ब. एक ही सीरीज 500 सीरीज में 23 मार्क. इससे समझ में आता है कि 500 सीरीज का दमखम कितना है, इंपॉर्टेंस कितना है 500 सीरीज का. ऑब्वियसली उसमें स्टैंडर्ड्स भी ज्यादा आते हैं, लेकिन आप देखिए कि कितना इंपॉर्टेंस है 500 सीरीज का सीए फाइनल में भी. करेक्ट, सीए फाइनल में भी ये है. बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत कुछ. और मैंने आपको बोला कि सजेस्टेड आंसर है. सजेस्टेड आंसर में हम और एक चीज हम लोग ने इंक्लूड की है कि एक एक क्वेश्चन कहां से आया है वो आप सोर्स भी देख सकते हैं. यू कैन सी द कंप्लीट सोर्स ऑल्सो. अब कुछ क्यूरियस क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, वो मैं फटाफट बता दूं. क्वेश्चन नंबर 2 सीधा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. क्या हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लिख सकते हैं हमारे विजिटिंग कार्ड्स पे, लेटर हेड पे? आंसर इज यस, हम लिख सकते हैं. इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, ये जो
टाइटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, और बच्चों ने को यह पता होना चाहिए था नवंबर 18 के आरटीपी में था ये, मैं जो आपको बोल रहा था आरटीपी से, नवंबर 18 के आरटीपी में था। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं क्रैक कर पाए तो आपकी तैयारी में सीरियस डेफिशिएंसी थी। अगर आप रीसेंट एग्जाम्स के एमटीपीज आरटीपीज कवर नहीं कर रहे हैं करेक्ट, तो देयर वाज सीरियस प्रॉब्लम। हाथ के मार्क्स थे ये, लॉलीपॉप था ये। इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लिखना अलाउड है। क्वेश्चन नंबर 4A कंपनी ऑडिट का एकमात्र क्वेश्चन, वो भी उन्होंने केस स्टडी डाली। केस स्टडी में ऐसा था कि डॉटर के पास में, डॉटर ने शेयर्स खरीदे हैं, डॉटर के हस्बैंड ने शेयर्स खरीदे हैं, क्या होगा बताइए। तो ऐसा है, इसमें खास बात ये थी करेक्ट, 1,00,000 फेस वैल्यू की लिमिट है वो हम सब जानते हैं, लेकिन ऑल रिलेटिव्स टेकन टुगेदर, सभी रिलेटिव्स को मिलाकर ये लिमिट इंडिविजुअल रिलेटिव की नहीं है। दिस इज नॉट ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव। इंडिविजुअल रिलेटिव की हम बात नहीं कर रहे साहब, करेक्ट, सभी रिलेटिव्स को मिलाकर ये लिमिट थी, ये ध्यान रखना था। डॉटर और डॉटर के जो हस्बैंड है वो दोनों रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं, तो दोनों की शेयर होल्डिंग मिलाते हैं तो इट क्रॉसेस 1,00,000, 1,00,000 फेस वैल्यू क्रॉस करता है। मार्केट वैल्यू भी दी थी जिसका कोई मतलब नहीं था, कोई उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए था। और फिर ऐसा बोला गया कहानी में ट्विस्ट कि उन्होंने सारे शेयर्स बेच भी दिए, लेकिन 60 डेज खत्म होने के बाद, करेक्टिव एक्शन के लिए 60 दिन थे उसके बाद, तो ऐसे केस में क्योंकि 60 दिन गुजर चुके हैं, ऑडिटर विल गेट डिस्क्वालिफाइड, ऑटोमेटिक रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फोर सी साहब, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा रहा है, इतनी बार पूछा जा रहा है, क्या बताऊं कितनी बार पूछा जा रहा है रीसेंट पास्ट में। एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हमने 50% से ज्यादा, 51%, लेकिन वो टेम्पररी होल्डिंग है, टेम्पररी होल्डिंग है, नवंबर 18 के भी था अब। लेकिन मुद्दे की बात यह है, इंस्टीट्यूट का आंसर पीएम में जो आंसर बरसों से चल रहा है वो गलत है। हमने पिछले बार इंस्टीट्यूट्स के पास में प्रूफ भेजे, एचडीएफसी की एनुअल रिपोर्ट भेजी, सारा राइटअप भेजा, और वो आंसर को हमने रेक्टिफाई करवाया, वी रेक्टिफाइड इट, और इंस्टीट्यूट ने उसको रेक्टिफाई भी किया, सजेस्टेड आंसर रेक्टिफाई किए। नवंबर 18 का न्यू कोर्स का अगर आप सजेस्टेड आंसर उठाएंगे तो उसको करेक्ट किया गया, लेकिन कॉरिजेंडम इशू नहीं किया गया। तो बच्चों कैसे पता चलेगा कि हमने आंसर रेक्टिफाई किया है। एनीवेज, तो मुझे इंस्टीट्यूट को मैं, आई एम गोइंग टू सेंड सजेस्टेड आंसर्स, जो पूरे सजेस्टेड आंसर्स हमने बनाए हैं, और इस क्वेश्चन पे खास नोट लिखकर मैं इंस्टीट्यूट को ये बात भेजने वाला हूँ, और उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि पुराने आंसर्स पे भी मार्क्स दे और नए आंसर पे भी मार्क्स दे। ऐसा है कि सेक्शन 129 बोलता है कि कंसोलिडेशन मैंडेटरी है सब्सिडरीज को, और किसको कंसोलिडेट करना, कैसे कंसोलिडेट करना, आप शेड्यूल 3 देखिए। शेड्यूल 3 में लिखा है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करिए, उसके हिसाब से चलिए। और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं कि किसी सब्सिडी को कंसोलिडेट नहीं करना है, जैसे टेम्पररी होल्डिंग, तो आप सिंपली लिस्ट दे दीजिए नोट्स टू अकाउंट्स में कि कौन सी सब्सिडीज कंसोलिडेट नहीं हुई और क्यों नहीं हुई, रीजंस। तो अल्टीमेट अथॉरिटीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोलेंगे वैसा होना चाहिए, दैट शुड बी डन। अल्टीमेटली ये लोग हैं इंपॉर्टेंट। नाउ लिसन, अब ध्यान दीजिए, इंस्टीट्यूट बोलता था ये सब बोलता था, और फिर बाद में बोलता था बट एज पर शेड्यूल 3 कंसोलिडेशन शुड बी डन। 129 का रेफरेंस देता था, AS का रेफरेंस देता था, और आखिर में बोलता था कंसोलिडेशन करना ही चाहिए, जो गलत आंसर था। अल्टीमेट अथॉरिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलना पड़ेगा हम लोगों को, अगर वो एग्जेम्पशन देते तो एग्जेम्पशन चलता रहेगा। मैं जानता हूँ प्रैक्टिस मैनुअल में गलत आंसर लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ पास्ट पेपर्स के सजेस्टेड आंसर्स में भी गलत है, और काफ़ी बच्चे यही लिख कर आए होंगे, चिंता मत करिए। इंस्टीट्यूट को मैं बोलने वाला हूँ, हम लोग सजेस्टेड आंसर भेज, हमने पिछले बार इसको कमिट किया था,
और सजेस्टेड आंसर्स भेज रहे हो उसमें दोनों भी दोनों आंसर्स होने चाहिए ऐसा हमारा मानना है। ये खास बात थी। अगर आप देखेंगे तो 88 मार्क्स में 50 मार्क्स 50 मार्क्स से थोड़ा ज्यादा ठीक है इजी क्वेश्चंस थे इजी क्वेश्चंस 20 मार्क्स के मीडियम थे अराउंड 18-20 मार्क्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। तो मैं इस पेपर को बहुत ही बैलेंस्ड मानूंगा। इंस्टीट्यूट के तरफ से एक सही पेपर एक अच्छा पेपर पूछा गया था डिफिकल्टी वाइज ये मैं मानूंगा ऐसा होना चाहिए। डिफिकल्टी 18 मार्क 88 मार्क्स में से 18 मार्क का डिफिकल्ट तो चलता है और आपको सॉल्व 70 ही मार्क करना था 70 मार्क्स ही आपको सॉल्व करना था तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। स्ट्रेटेजी में सिर्फ कंपनी ऑडिट और पी पे रिलाय करना बहुत बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। कुछ लोग बहुत ही कम समय में सब्जेक्ट को कवर करने जाते हैं और उसमें सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग का अच्छा खासा कवरेज है अगर आप एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी देखें तो। चैप्टर्स को करना वॉज द की। डायरेक्ट क्वेश्चन थे हाथ के मार्क्स थे एकदम और इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यूज काफी आसान एमसीक्यूज पूछे गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बार रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए। इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर सकता उसमें ओएमआर शीट है आपके एमसीक्यूज में और डिस्क्रिप्टिव में आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलती है तो मुझे लगता है कोई एडजस्टमेंट इतने पॉसिबल हो पाएंगे इंस्टीट्यूट करेगा। सो गाइज एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिजल्ट। आई एक्सपेक्ट कि बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार आना चाहिए। समय भी ज़्यादा मिला था बच्चों ने तैयारी भी ज़्यादा की थी ठीक है बट देन लेट्स सी व्हाट इंस्टीट्यूट डज इंस्टीट्यूट क्या करता है वो हमको देखना पड़ेगा। सजेस्टेड आंसर्स आप लिंक दी है वो देखिए। आई विल बी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स कि आपका क्या सोचना है इस पेपर के बारे में। सो गाइज आई विल बी कमिंग अप विद द न्यू कोर्स वीडियो ऑल्सो इंटर ऑल्सो एंड एमसीक्यू वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो के लिए अभी इतना काफी है।